ये कपड़े डॉन पेड्रो खुद सिंगापुर से तुम्हारे लिए लेके आए हैं। कैसे लग रही है उन कपड़ों में? ये ड्रेस जच रही है ना? तू पहनेगी तो कुछ भी अच्छा ही लगेगा ना? क्या बात है। डॉन पेड्रो ने मुझे जमीन से आसमां पे पहुंचा दिया है। आखिर तुम डॉन पेड्रो की चाहत हो ना? अच्छा ठीक है। ये कैसी है? इट्स मैचिंग। और ये निकलेस? ये भी। माशाल्लाह। क्या लग रही हो? जो मैं देख रहा हूँ कहीं ख्वाब तो नहीं? कांटों के बीच में छुपा हुआ गुलाब तो नहीं? क्या लग रही हो? क्यों नहीं? डॉन पेड्रो जरा बाहर चले आइए। ये कारमैन भी कार की ब्रेक की तरह चरमराती है, मुझे देखते ही फूफा करती है, मेरी समझ से बाहर ही है। सुनो डियर, कारमैन काफी शर्मिली है, तुम उसे क्यों तंग करते हो? तुम्हारी नजर में मैं कुछ नहीं हूँ, बोलो ना। जवाब तो डॉन पेड्रो। सोचता हूँ। तरह से जोखिम उठाते हो मेरे लिए? जाने मन यही तो करता तुम्हें पाने के लिए। तुम्हें क्या हो गया है? क्यों इस तरह से पेश आते हो? तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है जाने मन। कारमैन, मैं तुम्हें यहाँ से उठा के लेके जाऊंगा। मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। तुम्हें मेरे की गलती नहीं है डॉन पेड्रो, दरअसल गलती मेरी है डॉन पेड्रो। और तुम नहीं चाहते तो मैं यहां रहूं, तो मैं यहां से तुम्हें बहुत पहले ही अरे शहर से तुम्हें भेज देना चाहिए था, मगर मेरे जमीर ने मुझे रोक दिया, क्योंकि तुझे फुटपाल से उठाकर लाने वाला भी मैं हूं, जानते हो ना। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाने वाला भी मैं हूं, ये भूलना नहीं। तुम्हें मेरे साथ इस तरह पेश नहीं आना चाहिए। तुम जानते कि मैं ही तुम्हारे लिए सब कुछ हूं। तुमने जो कुछ भी किया बहुत गलत है। कारमैन का रखवाला मैं हूं डॉन पेड्रो, यह तुम्हारी कोई जागीर नहीं है। जागीर तो नहीं, लेकिन एक गार्जियन होने के नाते इसका भला बुरा सोचने का हक सिर्फ मुझे है, जानते हो। कारमैन को मैं अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूं डॉन पेड्रो, बोलो क्या कीमत चाहिए तुम्हें, बोलो।
कीमत कुछ ज्यादा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं रहकर मेरे बैलों के साथ लड़ो ताकि तुम्हारा और मेरा दोनों का मुनाफा हो जाए, यही चाहता हूँ मैं। अरे बरखुरदार, मेरे बैलों के साथ लड़ो, इतना एहसान कर सकते हो मुझ पर? इतना एहसान तो कर लूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है डॉन पेड्रो, हम दोनों की शादी के बाद ही मैं कुछ करूंगा। क्यों, तुझे ये पसंद है? वेरी गुड, जाओ। थैंक यू डॉन पेड्रो। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। Why not? Sure. excuse me, sir. Sorry. Guru, कैसे आप? मैं अच्छा हूँ। इनसे मिलो माई फ्रेंड मिस लिंडा। How do you do? मिलकर बहुत खुशी हुई हमें। Wow. जिंदगी में पहली बार मिस लिंडा बुल फाइट देखने जा रही है और साथ ही एंटोनी गुरेरो के फैन भी है ये। मिस लिंडा, आप वाकई बहुत लकी हैं। बहुत जल्दी आपकी मुलाकात उनसे होगी। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। मैं उनसे मिलने के लिए बेताब हूँ। बुलफेट करते वक्त कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। मैं ठीक कहती हूँ ना कुरु? वैसे मिस लिंडा, जो कुछ आपने कहा वो गलत तो नहीं है। इस तरह के खिलाड़ियों को बचपन से ही ट्रेनिंग दी जाती है, उनको अपने आप पर पूरा यकीन होता है। और एक खास बात मिस लिंडा, ये जो एंटोनियो है ना, ये डॉन पेड्रो का खास बंदा है। डॉन पेड्रो की इज्जत रखना ही इसका फर्ज है, इसीलिए अपनी जान की बाजी लगाकर भी जीत के आएगा। लेकिन सुनने में आया कि एंटोनियो गुरेरो काफी सुंदर और बांका जवान है, क्या ये सच है गुरु? सही फरमाया, काफी दिलहर इंसान है वो, उसे अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं है। इस साल चैंपियन का खिताब जितना काफी मुश्किल है, देखते क्या होता है। पता नहीं कब तक आएंगे वो एंटोनिया। देखो लगता है वो आ रहे हैं। हाँ देखो, नो मोर क्वेश्चंस प्लीज, प्लीज रास्ता दीजिए प्लीज। आइए आइए। थैंक यू वेरी मच। एंटोनी गुरेरो, ये है मिस लिंडा। हाय, मुझे बहुत खुशी हुई। हमें भी बहुत खुशी हुई।
मिस्टर एंथोनियो, पहले ये बताइए कि आप किस तरह के चैंपियन बनना चाहते हैं? वेल, वैसे हर एक चैंपियन की अपनी एक स्टाइल होती है मिस्टर करो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मैं सिर्फ एंथोनियो ग्रोरो बनकर रहना चाहता हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि लोग मुझे मेरे अपने नाम से जाने। आप फाइट करते वक्त आप कैसे फील करते हैं? मिस लिंडा, मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे मैं किसी खूबसूरत हसीना के साथ बातें कर रहा हूँ। बहनों से आपको डर नहीं है एंटोनियो? मैं बोला क्यों डरूं? खूबसूरत लड़कियों से? एंटोनियो, अगर चूक किया तो मौत निश्चित है, मुझे तुम्हारी फिक्र है। घबराओ मत, इस एंटोनियो को मारने वाला बैल आज तक इस जहां में पैदा ही नहीं हुआ है। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू लव मी? आई लव यू। चलोगी? नो आई कैंट। एंटोनियो, आई एम सॉरी, प्यार मोहब्बत की बातें तो चलती ही रहेगी, वहां दर्शक इंतजार कर रहे हैं, जल्दी चलो वरना जूते पड़ेंगे। जीत गाऊंगा मैं। ओके, रात को घर आओगे ना? मुनावो बैल को देखा तुमने? हाँ देखा, बहुत ही खूंखार है, लगभग 400 किलो वेट होगा उसका, जीतने के लिए हमें काफी मेहनत करनी होगी। खतरों से खेलने में मजा है। बैल के साथ इनकी टक्कर होगी। तरफ देख रहे हैं? तुम्हारी जीत नहीं मेरी जीत है। ओ, लगता आज इसकी जीत होगी। लिंडा, ये बेल तुम पे लट्टू हो गया है। एंटोनियो को इस वक्त बड़ी होशियारी से खेलना चाहिए, वरना जान भी जा सकती है। जिंदगी और मौत का दिन है। तुम क्या कहते हो डॉन पेट्रो? तुझे पता ही होगा कि मेरे बैल कितने खतरनाक है। कैरमिन की मोहब्बत को जिंदा रखने के लिए जान की बाजी लगा। हाँ पागल तो हूँ, मगर एंटोनी हार के सामने घुटना टेकने वालों में से नहीं है। खतरों से खेलना तो एंटोनियो के लिए बाएं हाथ का खेल है, और आज यहाँ जो दर्शक खेल देख रहे हैं अपने हीरो यानी चैंपियन एंटोनियो की जीत को देखने के लिए बेताब हो रहे हैं। एक नया हीरो जो आज उनके सामने सीना तान कर खड़ा है, और वो है एंटोनियो गुरेरो। बैल आगे की तरफ बढ़ा जा रहा है। फैंटास्टिक, गौर से देखिए दर्शकों, बड़ी तेजी से चीते की तरह से झपट रहा है।
चैंपियन आपका, यस यही है एंटोनियो गुरेरो, इस देश की शान। और ये जो बैल आप देख रहे हैं इसका वजन है 400 किलो। डॉन पेड्रो, आज तुम्हें मानना ही पड़ेगा कि एंटोनी ने बाजी जीत ली। वो जो भी है मेरी बदौलत, मैंने घनाथ को ट्रेनिंग देकर यहाँ तक पहुँचाया है। मगर तुम उसे नफरत क्यों करते हो? वो इसलिए कि मैं कार्मेन को पाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने उसे यहाँ से भेज दिया। हाँ, पर तुमने ऐसा क्यों किया? दिल जला कहीं का। तुम दोनों उसकी तरफदारी क्यों कर रही हो? जो आज तक का सबसे वजनदार बैल है। कोहतली पर रखकर इस आवाज ने आप सबके दिल में अपने लिए एक खास जगह बना ली है। जरा गौर से देखिए, मगर एंटोनियो भी कोई कम नहीं, पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए दर्शकों, गौर से देखिए, कई चैंपियन इसी स्टेडियम में इसी तरह पहलों के साथ लड़े थे, मगर उनमें से कई तो मौत के मुंह में चले गए और कई लूले लंगड़े होकर आज घर में बैठे हैं। अब देखिए पासा पलट गया, ऐसी हालात में कुछ भी हो सकता है, कोई नहीं कह सकता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। आज का ये खेल दिलचस्प खेल है और आप लोग इसे काफी दिनों तक याद रखेंगे। अभी जितना समय बीतता जाएगा इसलिए आप अपने हीरो का मुकाबला देखिए, ये कितने जाबाजी के साथ। सितंबर की शाम को जवान एंटोनियो ने चैंप का खिताब जीतकर पिछले साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। एंटोनियो जैसे चैंप ने हमारे देश की शान को बढ़ा दिए। पता है ये किसने लिखा? कुर्रोन ने। वो एक ऐसा पत्रकार है जिसके नाम से लोग थरथर कांपते हैं। कुर्रो के बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूं, ये सब उसी की मेहरबानी है, उसी की वजह से आज लोग मुझे एक अच्छे फाइटर के नाम से जानने लगे हैं। मैं उसका एहसानमंद हूं। रात भर कहां थे तुम? मैं तुम्हारा इंतजार करती रही। अरे मैं तो बताना ही भूल गया, कल शाम मैं एवरेस्टो और रोनालो के साथ बार में था। झूठे, कल एवरेस्टो ने तुम्हें कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की। अरे हाँ, शायद बार से जाने के बाद उसे कुछ याद आया होगा, इसलिए मुझे फोन पे बात करने की कांटेक्ट की होगी, लेकिन मैं बिजी था। ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। आज अचानक तुम्हें क्या हो गया मोहतरमा? सब झूठ है। स्टॉप इट, बहाना बनाना छोड़ दो। अरे कार्मेन, अगर धोखा ही देना है तो मैं तुम्हारे पास यहाँ वापस क्यों आता? मैं किसी और लड़की के बाहों में होता आज। मेरी जिंदगी के साथ मत खेलो। तंग आ चुके हूं तुमसे। अरे जाने मन, तू ही मेरे जीने का सहारा है, तू ही मेरा जुनून है। सच बात तो यह है कि तुमने मुझ जैसे जानवर के दिल में मोहब्बत के फूल खिला दिए हैं। तेरे बिना यह संसार सुना सुना है, मेरी जिंदगी भी अधूरी है। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, कसम से। मेरा यकीन करो जाने मन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तेरे लिए जान की बाजी भी लगा दूंगा मैं। तुम्हारे साथ कुछ पल बैठा तो मुझे बहुत मजा आता है जाने मन। अच्छा ये बताओ क्या पियोगे? कॉफी, बीयर, रम, बोलो ना। ए आज तुम जाना नहीं। आज मैं तेरी हूं एंटोनियो।
हाथों से पिलाओगी आज? जरूर पिला दूंगी लिंडा। अगर तुम पीना चाहो तो क्यों? हाँ इनकार तो नहीं करोगे ना? हाँ आज मैं तेरे साथ गुजारना चाहता हूँ लिंडा। जरूर चीयर्स। Cheers to the beautiful city. गुड मॉर्निंग मनालो। गुड मॉर्निंग। ट्रेनिंग कर रहे हो? यूं ही कुछ खास नहीं, मैं बस थोड़ी बहुत कसरत करता रहता हूँ। बहुत ही जल्दी कामयाबी तेरे कदम को चूमेगी। ओके अगर तुम ट्रेनिंग देते तो जरूर कामयाबी मिलेगी। हेलो कैसी हो तुम? हाउ आर यू? कॉल मैं आ ही रहा हूँ। ओके अमेरिकन परी है ना? तुम कैसे जानती हो? भाई भी केयरफुल, अमेरिकन लड़कियां बहुत ही खतरनाक होती हैं, समझ गया ना? बाय। टेक केयर। सब कुछ बहुत खूबसूरत सा लग रहा है क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। जाने मन बहुत प्यार हो गया है, कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। like मजाक नहीं कर रहा मैं। चलो डाली कमान। ये क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं चलो। सो रोमांटिक रियली। हाय कार्मेन। हाय एवरिस्टो, अंदर आओ। हेलो। हाय बैठ जाओ यार। थैंक यू। चलो अब तुम इन्हीं से पूछो मैं रात भर कहां था, पूछो ना। भाई क्या बात है? कुछ नहीं, ये कुछ जानना चाहती है। तू अमेरिकन लड़की के बाहों में था ये बात कार्मेन तो नहीं जानती है ना? देख यार अब तो ही इस उलझन को सुलझा सकते हो, प्लीज सुलझाओ ना। तो ये सारे परेशानी की जड़ मैं हूं, तुम्हारे कहना ये है ना? आई एम सॉरी यार, मेरी वजह से आज तुम्हें ये दिन देखना पड़ा, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता था। खैर एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं यार, लेकिन कैसे शुरू करूं यही तो समझ नहीं आ रहा।
क्या बात है यार, उस अमेरिकन लड़की ने तुझ पर कोई जादू तो नहीं चलाई? अमां यार, उस लड़की ने तो मुझ पर जादू ही कर दिया। कमाल की लड़की है लिंडा, शी सेलेस्टियल यार। अच्छा, ऐसी क्या खूबी है उसमें? एक नहीं कई खूबियां हैं उसकी, हर अदा में नजाकत है। अरे यार, मेरा दिल उसके लिए पागल होते जा रहा है यार। मैं उसके प्यार में पागल हो गया हूं। उसके अंग अंग में जादू भरी है यार। जब मैं उसके साथ था मैं दुनिया से ही बेखबर हो गया था, मुझे कुछ पता नहीं था। इसे जादू ही समझो। वैसे जहां तक मैं समझता हूं अगले टूर्नामेंट के लिए तुम्हें तैयार रहना चाहिए। टूर्नामेंट? चलो मैं तुम्हें समझाता हूं। 5 सप्ताह अंडालोसिया में, सिंगापुर, कोलंबो, मलेशिया और कनाडा में। सॉरी, मैं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा मैं। क्या क्या हो गया तुम्हें? इससे तुम्हारी तकदीर खुल जाएगी, इससे बेहतर मौका दोबारा नहीं मिलेगा। आई नो इट यार, मगर एवरिस्टो तुम तो जानते हो कि मैं कितना परेशान हूं यार। और एक बात मैं तुम्हें साफ साफ समझाना चाहता हूं कि इस देश को छोड़कर और कहीं जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। समझ गया, ये सब उस अमेरिकन लड़की का जादू का असर है। तुम जो समझो यार। किस लिए उस लड़की के पीछे अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हो? लिसन टू मी, तुम सिर्फ एजेंट हो मेरे, कोई रहनुमा नहीं। आज के बाद मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, समझे? ओके। वैसे मैं तुम्हारे जिगरी दोस्तों में से एक हूं, तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है। हे एवरिस्टो, एवरिस्टो सुनो, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मेरे निजी मामलों में दखल अंदाजी करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। तुम्हें पैसे चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन फिलहाल यहां से चले जाओ। ठीक है। एंटोनियो, क्या तुम उस अमेरिकन से मिलने जा रहे हो? अब तुम्हें क्या हो गया है? क्यों तुम झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो? मैंने तुम्हारी और एवरिस्टो की सारी बातें सुन ली हैं। आखिर क्या है उसमें जो जो मुझ में नहीं है? क्या वो बहुत खूबसूरत है? स्टॉप इट कार्मेन। तुम्हारे लिए मैं बजारू औरत भी बनूंगी, बशर्ते तुम उसे छोड़ दो। आखिर तुम्हें क्या हो गया, मेरी समझ में नहीं आ रहा कार्मेन। वो बाजारू लड़की मेरे सामने कुछ भी नहीं है। आ जाओ।